कई बार कई ज़रूरी बातें कैमरा ऑन होने के पहले ही बता दी जाती हैं। हम पटना से आरा लोकसभा क्षेत्र में दाखिल हो चुके हैं। आरा की राजनीतिक बिसात ये है कि यहाँ से सिटिंग सांसद हैं आरके सिंह, जो पहले आईएएस अफसर रहे, जिनकी ईमानदारी के किस्से सुनाए जाते हैं अटल सरकार में और यूपीए सरकार में विभिन्न पदों पर रहे। नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में सड़क का महकमा संभाला। आरके सिंह को चुनौती दे रहे हैं भाकपा माले यानी एमएल के टिकट पर राजू यादव, वो गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने बाकी लेफ्ट पार्टियों के साथ तो समझौता नहीं किया, लेकिन आरा की सीट माले के लिए छोड़ दी। राजनीतिक पंडितों ने बताया कि इसकी वजह शायद मीसा भारती का चुनाव भी है। मीसा भारती जो पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं आरजेडी के टिकट पर, और जहां बताया गया कि माले का कार्डर वोट अगर मीसा के साथ जुड़ जाए तो उनकी चुनावी संभावनाएं मजबूत हो जाती हैं। हम सड़क से गुज़र रहे थे, ट्रकों की लंबी कतार का रोना रो रहे थे, कहीं कहीं सड़क ख़राब भी दिखी। ये वाला एनएच अच्छा है। और फिर हमें ये गांव नज़र आया। चाचा क्या नाम है गांव का भैया? लहरिया गांव है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि कई बार कैमरा शुरू होने के पहले ज़रूरी बातें बता दी जाती हैं, तो एक चाचा बोल दिए खुल के कि भाई ये यादव बाहुल्य गांव है, हमको लालू यादव को ही लाना है। दूसरे चाचा जो रस्सी बना रहे हैं उन्होंने कह दिया कि हम भीतर जाके किसका बटन दबाएंगे, कोई देखता है क्या, हमारी मर्ज़ी का वोट है। और जो सबसे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे नज़र आ रहे हैं उन्होंने तो गजब थ्योरी दे दी, बोले कि हम सारी बटने दबा देंगे। तो इस संदर्भ में ये बातचीत शुरू करते हैं। जी क्या नाम है आपका? बिहारी। बिहारी, तो आपके नाम के तो एक बहुत बड़े भक्ति काल में कवि हुए हैं बिहारी दास जी के, बिहारी हमने दोहे बहुत पढ़े हैं। तो चाचा क्या काम करते हैं आप? गृहस्थी करते हैं। गृहस्थी, खेती बढ़ाई। खेती बढ़ाई करते हैं। क्या क्या फसल होता है? जो उन चीज बोई सब हुई। अरे तो क्या बोते? वही गेहूँ, धान, बूट, मसूरी। अच्छा चाचा एक बात बताइए, पहले खेती में ज्यादा बरकत था कि अभी ज्यादा बरकत है, नई तकनीक आ गई? और वही बरकत ज्यादा है। बरकत ज्यादा है। अच्छा, तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप? हाँ। कि वो भी खेती के काम? ना ना, बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ लोकसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है क्या सबसे बड़ा मुद्दा है आरा का या देश का? ठीक भी आता है, मुद्दा क्या है, किस चीज़ पर वोट करेगा? वोट तो देखिए लालटेन पर सबको ये ध्यान देता है। अच्छा, क्या वजह है लालटेन को सपोर्ट करने की? वो यह है कि भाई जतियाता पर आदमी कुछ जाता है, जतियाता पर जाता है, लालू क्या कहेंगे? क्या बोल रहे हैं ये? जात को जाता है वोट है। तो एक बात बताइए चाचा, एक सेकंड भाई साहब, शोर नहीं, बंद करना पड़ेगा, है ना, आप ही लोगों की बात सुनने आए ना, आराम से कहिए एक एक करके। तो चाचा एक बात बताओ, ये जात पे वोट क्यों जाता है, विकास पे क्यों नहीं जाता है? विकास पे तो बात सही बात बराबर बात तो सही कहते नहीं, बाकी सब कोई यही पर जाता है कि जे अपन बाबू पर ध्यान ज्यादा आदमी दे रहा जात पे। हाँ, और ये ठीक बात है आपकी नज़र में कि सब जात देख के वोट डाले? ठीक तो नहीं है बुझात, बाकी आदमी सब कोई देखा था देता तो देता है, बाकी काम पर आदमी नहीं खाएंगे यार। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरवन है। सरवन, आप भी खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाहते हैं ये कि जैसे कि वो आते हैं तो जिनको पहचानते जानते हैं उनके पास जाते हैं, और यहाँ का लोग रुकवाता है तो आदिवासी समझ के निकल जाते हैं, आदिवासी उनके साथ क्यों रहेगा। आर के सिंह यहाँ के सांसद रहे, 5 साल कुछ काम करवाया? बहुत काम किया। हाँ, क्या काम किया? रोड बनवाए, सारा व्यवस्था सुन रहे हैं कि यहाँ बिजली सारा धंधा में बरकत की है, रोड और बिजली। हाँ, तो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा जात है? जात से नहीं, आने जाने का, कोई विधायक जा रहा है, एमपी जा रहा है, रुकवा रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम जैसे कैसे कोई चीज़ के लिए हम बोले कि विकास का काम है, नली बनवाना है, हमको सुनवाई नहीं है, बोरिंग नल खराब है बोल रहे हैं सांसद से चाहे विधायक से, कोई काम नहीं हो रहा है, किसको कहे, ऐसी लाचारी में इधर डालना है तो इधर डालना है। अरे सबसे देखिए, सबसे मुद्दा है नाम क्या? आपके हमारे पड़ेगा भीम यादव। भीम यादव, हाँ,
जैसे कि आरके सिंह अभी बिजली विभाग के मंत्री थे, अभी सेंट्रल में वो कुछ आदमी बोले कि पूरा बधार में हम आपको पोल बिछवा देंगे लाइन वाला, वो एको नहीं बिछवाए। हम लोग रोड पर से तार अपना पैसा से खरीद कर माने 2-3 किलोमीटर तक हम लोग अपना तार पैसा से खरीद कर यहाँ से तार के पूरा बधार में खेत में कोभर वाला तार ले गए। हाँ, ट्यूबवेल के लिए पटवन, ये तो नियम है। हाँ नहीं, नियम है पूरा बधार में उनको पोल बिछा देना चाहिए, पोले। अच्छा, जो मेरी जानकारी है, चूँकि इस वक्त मेरे खेत में भी ट्यूबवेल का काम चल रहा है। तो नियम ये कहता है बिजली विभाग का कि यदि आप अपने खेत में ट्यूबवेल लगाते हैं तो जो मौजूदा सबसे करीबी बिजली का पोल है वहाँ से आपके खेत तक का जो खंबे का और तार का खर्चा है वो ट्यूबवेल लगवाने वाले को देना होगा, अगर प्राइवेट ट्यूबवेल है, ऐसा नियम है। हाँ, देखिए ये बात है, जो नज़दीक में यदि रहता पोल यहाँ पर है, यहाँ पर हम टोल भरते, यहाँ से अपन अपना प्राइवेट तार अपन खींच के ले जाएंगे। अब यहाँ से 3 किलोमीटर तार विभाग खींचेगा, उसका खर्चा अगर प्राइवेट ट्यूबवेल लगवा रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, ऐसा नियम है। अच्छा ठीक है, हम लोग अपने यहाँ से 3 किलोमीटर बधार में एक भी पोल नहीं है। बधार में आप कह रहे हैं कि खेत से भी गुजरनी चाहिए। हाँ तो खेत में आप नहीं गुजारिएगा तो सब महंगा पड़ेगा। अच्छा महंगा नहीं पड़ेगा? हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, महंगा पड़ेगा। अब 3 किलो सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तथ्य बोल रहा हूँ। 3 किलोमीटर तक सोच लीजिए कि कितना का तार कम से कम लगता है, 3,000-3,500 के सारा किसान रोड पर से यहाँ से तार खींच के लगे हैं। 3,000-3,500 रुपये के तार लगा है हम लोग का। प्लस में ऊपर से मोटर लगा है, ये दमकल जो है तो जो फीटर उसका हटा दिया गया। अब लाइन पर मन हो रहा है बिजली पर खेती हो रहा है, उसलिए कुछ पैदा हम लोग का इन साल से कुछ बढ़ रहा है। हाँ अच्छा एक चीज़ बताइए कि जैसे इस बार जो CPI ML है, माले है, तीन तारा वाला पार्टी है, उसका राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन हो गया, लालटेन वाली पार्टी के साथ, इसलिए आप लोग तीन तारा में डाल रहे हैं या पहले भी तीन तारा में डालते थे? नहीं, पहले हम लोग लालटेन के हैं। अच्छा आप लोग लालटेन के हैं? हाँ, लालू यादव के। तो लालू यादव जिसके साथ गठबंधन करेंगे आप? हाँ, उसी को डालेंगे। तो क्यों पसंद है आप लोगों को लालू यादव? लालू यादव देखिए, जी समझाइए। हाँ देखिए, यहाँ से जो आदमी को हम लोग जिता के विदा किए वो कुछ काम नहीं कर पाया, ना जनता के पास आया। अच्छा किसको जिता के विदा किए थे? किसको? आप बोले ना, जिसको जिता के विदा किए वो काम नहीं कर पाता है। आरके सिंह को जो तो यहाँ से जीत के गए तो जनता से भेंट करना चाहिए ना। ये सारा लोग अपना यहाँ नहीं, एको फैक्ट्री गिरवाए, मेरा नौजवान पढ़ लिख के सब मरता है, ना कुछ एको सुई का नहीं कंपनी गिरा और ना कुछ गिरा। हमारा नौजवान ऐसा पढ़ के देखिए मरता चलता है, अगर फैक्ट्री गिरा देता तो 5,000 के फैक्ट्री में वो कमाता नू, मरता तो नहीं ना। आपकी मांग है कि आरके सिंह को यहाँ फैक्ट्री लगवानी चाहिए? काहे खातिर उनको दिल्ली विदा कर रहा है कि जीत के जाइए, आ उधर अपना बीबी को हवादार पटना में मकान लेकर के रही है, यहाँ का जनता को लड़का जो है तो मर रहा है। अच्छा लड़कों से पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा दीपक कुमार। आपका? विकास कुमार। खगेंद्र कुमार। क्या करते हैं खगेंद्र आप? हम तो अभी तत्काल कुछ नहीं करते हैं। कितना पढ़ाई किए हैं? ISC ITI किए हैं। ITI किए हैं? क्या ट्रेड क्या था, किसमें ITI? फिटर है। फिटर है? तो फिटर में आपने नौकरी नहीं खोजा? नौकरी के लिए अप्लाई किए थे, नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्या बोले आपको अभी काम ठीक से नहीं आता है ये बोले या कुछ और बोले? नहीं, अपना परीक्षा दी है उसमें नहीं आदमी निकल पाया, इसलिए नहीं परीक्षा पास नहीं कर पाया। आपका क्या नाम है? पंकज कुमार। क्या करते हैं पंकज आप? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई? हम अभी ग्रेजुएशन करके कंपटीशन की तैयारी करते हैं। उन चाचा से मैं बात कर रहा था, बिहारी जी से, तो उनका कहना था कि आरके सिंह ने काम करवाया लेकिन हम जात के नाम पे वोट डालते हैं। इन चाचा का कहना था कि आरके सिंह ने फैक्ट्री नहीं लगवाया है। आपको क्या लगता है, जात के नाम पे वोट पड़ना चाहिए या कामकाज के आधार पे? नहीं सर, काम के नाम पे वोट पड़ना चाहिए, काम के नाम पे। जी लेकिन हम लोगों को जो एक इफेक्टेड बात यह है कि जैसे आरके सिंह जो थी इस सेक्टर से बहुत अच्छा काम किए हैं, ठीक है, मतलब ज़मीनी से लेकर के जैसे जो सांसद को काम करनी चाहिए वो एक MLA नहीं, एक MLA का काम कर सकते हैं,
वो एक सांसद है, जो सांसद कहीं काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि युवा के बारे में तो वो नहीं सोच सकते हैं, बट युवा के बातों को पहुंचा सकते हैं, ठीक है, युवा को बातों को पहुंचा सकते हैं। तो जैसे नरेंद्र मोदी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि वहाँ पर वो खराब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे, मतलब पूरा उनका ऑल, जैसे दूसरा देश भी वो भी उनका नाम ले रहा है। कहने का मतलब ये है कि देखिए नरेंद्र मोदी जो जी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ गलती कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग को रोज़गार चाहिए। मान लीजिए कि हम आपको एक दिन खाना दें, ठीक है, और 30 दिन भूखा रहें, 30 दिन भूखा रखें आपको, 31वां दिन फिर ले जाकर खाना दें, तो क्या वो खाना इफेक्टेड होगा आपके शरीर में? तो कहने के मतलब बेरोजगारी का आलम यही किए हुए हैं कि 5 साल तो कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, जब इनकी चुनाव आ रही है तो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख वैकेंसी निकाल दे रहे हैं। तो जो 5 साल में जो हमारे जो भी भाई हैं उनका तो एज ख़त्म हो गया और तैयारी भी ख़त्म हो गई, तो जब तैयारी ख़त्म हो गई तो फिर कहीं ना कहीं मतलब दिमागी हालत खस्ता हो गया उनका, तो दिमाग कहीं कोई खेत पकड़ लिया या कोई फैक्ट्री पकड़ लिया, तो ये कंडीशन उनकी सही नहीं है, ये बात उनको पहुँचाना। क्योंकि देखिए हमारे बिहार जो यूपी है सिर्फ रोजगार, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट उस पर टिका हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में कोई भी एक ऐसी फैक्ट्री नहीं गुजरात की जैसी या हरियाणा की जैसी या दिल्ली की जैसी, जैसे बिहार यूपी को सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि औद्योगिक, हाँ औद्योगिक होनी चाहिए इस एरिया में, इसलिए कि मान लीजिए हम पढ़े लिखे हम तो कहीं भी कंप्यूटर पर हुआ या किसी के यहाँ कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए कम से कम उस टाइप का काम मिलनी चाहिए। जो भी हमारे छोटे भाई बड़े भाई हैं, कोई जरूरी नहीं कि सबके पास पैसा है पढ़ लेगा, क्योंकि जो भी हमारे एरिया के लोग हैं वो किसान हैं, तो किसान है तो बहुत पढ़ा पाएंगे, तो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन वो भी सही तरीके से नहीं, खींच खाच मतलब तरीका समझ रहे हैं आप। तो कहने का मतलब कि नहीं है कि इनके पापा के वेतन है 20,000 अच्छे से पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, कहीं पढ़ाएं ट्यूशन दी 1 महीना 2 महीना नहीं फिर पैसा नहीं बाबू छोड़ दो, तो कम से कम उसको सही ढंग से सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं हो पाया, तो उसको कम से कम आगे की कम से कम फैक्ट्रियाँ खोलेंगे तो ढंग का वो चीज़, जैसे कि मुंशी का काम हुआ या उस टाइप का जो भी हुआ पेंटिंग का काम हुआ, जो भी फैक्ट्री खोलेंगे जैसे गुजरात से फैक्ट्री तो वहाँ ला कर यहाँ खोले, इस पर उनको ध्यान देनी चाहिए। अगर हम लोग की बात वहाँ पहुँचेगी तो हम लोग यही बोलेंगे कि आप 1 लाख वैकेंसी मत निकालिए, आप 20-20 हज़ार करके ही निकालिए, ठीक है ना, लेकिन रेगुलर निकालिए, आप सिर्फ चुनावी माहौल बना करके काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हम लोग जाति के नाम वोट नहीं देते हैं, काम हुआ है हम लोग पास जो 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 चीज़ ज़रूरी था, हम लोग पास रेल यहाँ पर ट्रेन बहुत सारा नहीं रुकती थी, और हम जो रुकवाया गया कोलोर में नहीं तो जो रुकवाया गया, रोड का स्थिति बहुत अच्छा, बिजली का बहुत अच्छा स्थिति कर दिया गया। ये बताइए आपने ये भी कहा कि आर के सिंह ने बहुत काम करवाए और नरेंद्र मोदी जो शिकायत है वो भी बता दी जी, निर्णायक मुद्दा क्या होता है बटन दबाने के पहले, जो काम करवाया है वो या नहीं करवाया है वो, जात या विकास के दावे और वादे, क्या आदमी सब जात देख के वोट देगा या जो काम करवाया उस पर आकलन करेगा या भविष्य देखेगा, क्या होगा निर्णायक? काम के आकलन देखेगा और भविष्य देखेगा, सबका वोट अपना अपना मत है, ठीक है ना, तो अपना बटन देख कर के ही दबाएगा। कहने का मतलब ये ही है कि उसको जब वहाँ पर पहुँचेगा तो उसको पता है कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है, हम जिसके साथ जाएंगे तो हमारा भविष्य मिलेगा। मुझे अच्छी चीज़ ये लगी आपकी कि जो बुजुर्ग कह रहे हैं और जो कटु सत्य भी है भारतीय समाज का कि अक्सर लोग जाति देख के वोट देते हैं, आपने उसके पार जाकर एक बात कहने की हिम्मत दिखाई है। चाचा सबसे पहले आप ही बोल रहे थे, बताइए क्या है, कैसा काम किया है सरकार 5 साल में? अरे सरकार का तो काम तो यहाँ ये लोकल पहला नंबर देखिए, गरीब चाहे अमीर जो भी पैसा अपन 2-4 पैसा कमा के रखल, काला धन पता लगावे खातिर मोदी जी तो पहले रद्द करके कर दिलक। अब बताएं कि हम रहुआ ही मजदूरी करके हम 2-4-5 हज़ार रुपया रखबो कहीं एक दिन हमार चौपटू हो गए रुपया, तो उससे का हमें फायदा बुझल। आपने बैंक में बदलवाए नहीं नोट? बैंकों नहीं लिया कह के अब नोटे चलने रहा था, हम कह के ले लेंगे। पर 4,000 तक के तो बदल रहे थे ना, आए? या उससे ज़्यादा के भी अगर कागज़ हो जरूरी तो? ज़्यादा होता कम हो, अब तो जो होने वाला था अब हमारा कमाई भी चौपट हो गया, इसलिए हम अब सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अब बतलाइए आप, जो कि हम लोग मजदूर करने वाले आदमी हैं, व्यक्ति मजदूरी पर आश्रित है हम लोग, तो यहाँ कोई भी अगर कल कारखाना बनता तो यहाँ के आदमी क्यों गुजरात जाता, क्यों सूरत जाता? ठीक कह रहे हैं। ये पूरी बिहार यात्रा के दौरान हमें एक अहम चुनावी मुद्दा नज़र आ रहा है, एक तो पलायन की समस्या और दूसरा कोई भी सरकार हो अब उसको इस बात का ध्यान देना ही होगा कि रोज़गार के अवसर स्थानीय स्तर पर पैदा हों।
बिहार में घूमते हुए नौजवानों से बात करते हुए जो दूसरी चीज़ समझ में आई वो ये है कि ज़्यादातर लोगों को, नौजवानों को सरकारी नौकरी की चाह है, और ये सिरा पहली बात से जुड़ता है कि चूंकि इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा नहीं है तो या तो आदमी खेती करता है या सरकारी नौकरी की तलब पालता है। मुझे लगता है कि जो भी सरकारें आएँ केंद्र में और राज्य में, उन्हें इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा। विकास बनाम जाति के भी कई आयाम आपको इस बातचीत में नज़र आए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करवाएं। आप देख रहे हैं dlallantop.com।